हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी श्वेता। आज मैं बनाऊंगी सोया चंक्स की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने पानी बॉयल कर लिया है। आप इसमें सोया चंक्स को डाल देंगे और इसे 2 मिनट पकने देंगे। अब इधर मैंने आलू को बॉयल करके रख लिया है और 2 प्याज, 2-4 हरी मिर्ची और 1 लाल मिर्ची और दालचीनी का थोड़ा टुकड़ा, इलायची और अदरक लहसुन को मैंने घिस लिया है। अब ये देखिए सोयाबीन पक चुका है। अब इसको हम लोग पानी से निकाल देंगे। अब कढ़ाई में हम लोग सरसों तेल को गरम करेंगे। लगभग 2 चम्मच है इसमें 1 तेज़पत्ता और वो लाल मिर्ची जो मैंने रखा था और हरी मिर्ची और प्याज सबको डाल देंगे। सबको मैंने डाल दिया है। अब सबको हम लोग और अदरक लहसुन को भी डाल देंगे जो घीस के मैंने रखा था। अब सबको अच्छे से भुनेंगे। और इधर मैंने नमक, हल्दी, सब्जी मसाला, गरम मसाला, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर सब में थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना के इसको हम लोग डाल देंगे। और इस मसाले को भी हम लोग अच्छे से भुनेंगे। और इधर मैंने आलू को काट लिया है और इसमें 2 चम्मच दही लिया है। दही डालने से सब्जी का टेस्ट अच्छा लगता है। और अब इधर देखिए मेरा मसाला सब इधर भून रहा है। अब ये लगभग पकने ही वाला है। अब ये हो जाएगा तो इसमें हम लोग दही को डाल देंगे। अब ये हो गया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच दही रखा था उसको भी डाल देंगे। और अब मसाला को थोड़ी देर और पकने देंगे, लगभग 2-3 मिनट। उसके बाद ये मसाला अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम लोग सोया चंक्स मैंने जो बॉईल करके रखा है और आलू जो बॉईल करके कट करके रखा है सभी को इसमें डाल देंगे। और लगभग इसमें 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए मैंने आलू को डाल दिया है और इसमें अब सोया चंक्स को भी हम डाल देंगे। अब इन सबको हम लोग अच्छे से भुनेंगे ताकि इसके अंदर पूरा मसाला जो है वो पूरा अच्छे से मिल जाए। अब फ्रेंड्स देखिए ये मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम लोग अपने मतलब जिस तरह से हमें पानी रखना है, उस ग्रेवी रखना है जिस तरह से, उसमें हम लोग पानी डालेंगे। अगर आपको पूरा गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा पानी डालेंगे, अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए ग्रेवी तो उसमें हम लोग लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसको मैंने पानी डाल दिया है। अब ये इसको हम लोग बॉयल होने देंगे और लगभग इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए ये इस तरह से पक रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए अब ये सब्जी पक चुका है। अब इसको हम लोग सर्व करेंगे। अब मैंने सर्व कर दिया है। फ्रेंड्स अब इस तरह से आलू और सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाइए, खाइए। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।